आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वर्डप्रेस के वो 10 प्लगइन्स जो कि हर वर्डप्रेस की वेबसाइट और ब्लॉग में जरूर शामिल होने चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। खुशामदीद, मेरा नाम है श्याम मोइनुद्दीन और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस चैनल पर। आज की वीडियो मुतल्लिक है वर्डप्रेस प्लगइन्स के। वर्डप्रेस के प्लगइन्स वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर बनाते हैं, उसको उसमें वसत पैदा करते हैं। आप एक प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की स्पीड, परफॉर्मेंस और काम करने का जो तरीकाकार है वो एक तरह से बदल के रख देते हैं। जब भी आप कोई नया ब्लॉग या वेबसाइट बनाएं, चाहे वो अपनी पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग बनाएं या फिर क्लाइंट के लिए बनाएं, उसमें कुछ प्लगइन्स हैं जो कि ज़रूर इंस्टॉल होने चाहिए। आज ऐसे ही 10 प्लगइन्स मैं आपके साथ मुतारिफ कराने जा रहा हूं। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद जो प्लगइन इंस्टॉल होने चाहिए उनमें जो सबसे पहला प्लगइन है वो है W3 टोटल कैशे। वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आप को इसका बखूबी अंदाज़ा है। कोई भी जो साइट पर विजिटर आता है वो अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो वो ज़्यादा देर उस पर टिकता नहीं है और जल्दी ही आपकी साइट को छोड़ जाएगा। W3 टोटल कैशे अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हैं तो ये आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा और आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड होगी। और फिर उसके बाद ये है कि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके बाद वो आपकी साइट पर ज़्यादा देर टिक कर रहेगा। तो ये प्लगइन आप ज़रूर अपनी वेबसाइट में, चाहे ब्लॉग बनाएं या फिर बनाएं कोई बिजनेस वेबसाइट, उसमें ज़रूर इंस्टॉल करें और इसकी मुनासिब सेटिंग भी करें। सेटिंग के लिए आप YouTube, गूगल से मदद ले सकते हैं या फिर देखते रहिए ये चैनल, सब्सक्राइब कीजिए इसे और इस पर आपको एक पूरा ट्यूटोरियल इसके मुतालिक जल्द ही मिलेगा। वर्डप्रेस की जो सिक्योरिटी है, किसी भी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उस पर किसी भी हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कि आजकल आए रोज़ बेशुमार वेबसाइट्स हैक होती हैं और आई थीम सिक्योरिटी प्लगइन अगर आप अपनी साइट पर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी को ये बेहतर बनाएगा और इसको हैक होने से महफूज बनाएगा, वायरसेस मैलवेयर से महफूज बनाएगा। इसको आप अपनी पर्सनल और क्लाइंट के लिए जब भी साइट बनाएं उस पर इसे ज़रूर इंस्टॉल करें। सिक्योरिटी के लिए ये बेस्ट प्लगइन है। अगरचे इसका प्रो वर्जन भी दस्तयाब है लेकिन मुफ्त का जो वर्जन है वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पर जो अवेलेबल है वो भी काम करेगा और ये आपकी जो सिक्योरिटी है आपकी वेबसाइट की उसको महफूज करेगा। बैकअप, वर्डप्रेस का जो बैकअप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अगरचे आई थीम सिक्योरिटी की मौजूदगी में ये आप अपनी साइट को महफूज बना देते हैं लेकिन फिर भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ महफूज नहीं होती। आपकी वेबसाइट किसी भी वक्त हैक हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, सर्वर का डाटा तबाह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस हालत में आपके पास बैकअप ना हो अपनी वेबसाइट का तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात ये तकलीफ दे साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी साइट पर इंस्टॉल करते हैं WP टाइम कैप्सूल, जो कि मेरे तजर्बे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बेस्ट प्लगइन है बैकअप के लिए। अगरचे और भी बहुत से प्लगइन अवेलेबल हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में, अपड्राफ्ट प्लस है, आई थीम वालों का भी एक प्लगइन मौजूद है, लेकिन WP टाइम कैप्सूल की खूबी ये है कि ये आपकी साइट का प्लग बैकअप तो लेता ही है, साथ ही साथ आपके सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालता। शेयर्ड होस्टिंग पर जब भी आप अपड्राफ्ट प्लस या कोई ऐसा बैकअप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं होस्टिंग के वो बड़ी जल्दी जल्दी इस्तेमाल होते हैं और आपको या तो मैसेज आना शुरू हो जाता है कि अपग्रेड करें अपनी साइट को। लेकिन WP टाइम कैप्सूल का फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसा जदीद तरीका इस्तेमाल करता है बैकअप के लिए कि आपके सर्वर पर लोड नहीं पड़ता। सिर्फ वही फाइलें ये बैकअप के तौर पर लेता है जो रोज़ की रोज़ चेंज होती हैं, जबकि जो दूसरे प्लगइन्स हैं वो हर रोज़ आपकी मुकम्मल साइट का बैकअप जिप करके बनाते हैं तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके सर्वर पर लोड पड़ता है। WP टाइम कैप्सूल को बैकअप प्लगइन के जरिए अपने बैकअप प्लगइन्स के तौर पर ज़रूर अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर इंस्टॉल कीजिए और इसकी मदद से आप जो अपने वेबसाइट का बैकअप है वो ड्रॉप बॉक्स, गूगल और अमेज़ॉन S3 पर सेव कर सकते हैं।
वेबसाइट पर जब तक ट्रैफिक ना आए तो वेबसाइट का जो भी मकसद हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे कमाना हो, एफिलिएट के जरिए कमाना हो, या प्रोडक्ट्स सर्विसेज बेच के पैसे कमाना हो, वो पूरा नहीं होता। या अगर कोई और मकसद हो तब भी वो तभी उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब आपकी साइट पर विजिटर आए। और विजिटर के लिए SEO या गूगल से जो ट्रैफिक आती है वो बड़ी अहम है, और उसके लिए वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्डप्रेस पर आपकी मदद करता है योस्ट SEO प्लगइन। इसे आप अपनी वेबसाइट पर जरूर इंस्टॉल करें और अपनी जो ब्लॉग या वेबसाइट है उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको बेहतर बनाएं। एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये वो नेक्स्ट प्लगइन है जो मैं समझता हूँ कि हर वर्डप्रेस वेबसाइट पर जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। इस प्लगइन के बारे में आप बजाय तौर पर ये कह सकते हैं कि ये आया और छा गया। पिछले 1-1.5 साल में ये मुतारफ हुआ है और इसने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की है। ये बेसिकली एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है, विजुअल पेज बिल्डर है। मतलब ये है इसका कि आप वेबसाइट वर्डप्रेस पर अगर मुख्तलिफ किस्म के फैंसी पेजेस बनाते हैं, चाहे वो अबाउट पेज हो, कॉन्टेक्ट पेज हो, सर्विसेज पेज हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई और पेज हो, तो अगर आप कस्टम पेज बनाना चाह रहे हैं तो वो काफी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको ये करना पड़ता है कि कस्टम कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी साइट पर इंस्टॉल करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर, तो ये क्या करता है, ये आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा माहौल मुहैया करता है जहां पर आप बिल्कुल डिजाइन कर रहे होते हैं, अपने पेज को विजुअली डिजाइन कर रहे होते हैं, और आपका जो कोडिंग है वो पीछे खुद ब खुद हो रही होती है। फ्री प्लगइन है, अपने पेज पर अपनी वेबसाइट पर इसे जरूर इंस्टॉल कीजिए और इसकी मदद से कस्टम पेजेस जो हैं वो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये आप वीडियो में प्रीव्यू देख रहे हैं कि कैसे आप मुख्तलिफ चीजें, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस अपने पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स वगैरह, कलर वगैरह जो है वो कैसे आसानी से चेंज करते हैं, और एक जबरदस्त किस्म का जो पेज है वो आपके साइट पर बन जाता है। जैसे ड्रीम वीवर काम करता था वैसे ही ये वर्डप्रेस के लिए, आप समझ लें कि ये एक वर्डप्रेस के लिए ड्रीम वीवर है। अगला प्लगइन जो कि मैं रिकमेंड करता हूं हर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वो है ये एंटी स्पैम वर्डप्रेस प्लगइन है एकिस्मिट। और ये अगर आपका ब्लॉग जब भी थोड़ी सी मकबूलियत हासिल करेगा तो एक मसला जिससे आपका वास्ता पड़ेगा वो होंगी स्पैम कमेंट्स। और ये जो प्लगइन है ये स्पैम कमेंट्स जो हैं उनको रोकने में आपका मददगार होता है। ये ऑटोमेटिकली जो स्पैम कमेंट्स होता है उनको रोक देता है, और ये आप अपनी ब्लॉग पर जरूर इंस्टॉल करके रखें। कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑलमोस्ट हर वेबसाइट, हर वर्डप्रेस वेबसाइट पर लाजमी हिस्सा है, और कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए वर्डप्रेस पर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से बेहतर कोई और प्लगइन, मुफ्त प्लगइन नहीं है। अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर का प्रो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ही फॉर्म का जो एलिमेंट है वो भी मौजूद है, उसकी मदद से आप फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म और दीगर मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने जो वेबसाइट है उस पर कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए आप ये प्लगइन्स जो कि 5 मिलियन से ज्यादा जिसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए और इसकी मदद से अपना कॉन्टेक्ट का पेज जो है वो आसानी से बनाइए। अगला जो प्लगइन जो कि मैं रिकमेंड करता हूं हर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वो है स्मश इमेज कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन। इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ये प्लगइन भी बेसिकली आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बेहतर करने में आपकी मदद करता है। आप अपनी वेबसाइट पर जो इमेजेस अपलोड करते हैं उनकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो सकती है, और ये जो प्लगइन है ये इमेजेस को इस तरह से कंप्रेस करता है कि ना तो उनकी क्वालिटी मुतासर हो और आपकी जो साइट, उनका जो साइज है वो भी कम हो जाए, ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड जो है वो बेहतर रहे। अपडेटेड प्लगइन है और 1 मिलियन से ज्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, जरूर ऐसे भी आप अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल कीजिए। नवा प्लगइन जो कि हर वर्डप्रेस वेबसाइट
और ब्लॉग कैसा होना चाहिए, वो रीडायरेक्शन है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्लगइन है जो कि आपके वो पेजेस, वो लिंक्स जो ब्रोक हो जाते हैं उनको रीडायरेक्ट करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको एसईओ का थोड़ा बहुत ही नो हो है तो आप समझते होंगे रीडायरेक्शन की कितनी ज्यादा अहमियत है। और ये जो प्लगइन है ये आसानी से आपको पेजेस एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट करने में मदद देता है। आखिरी प्लगइन, हर वेबसाइट की तो जरूरत नहीं है लेकिन इसकी जरूरत अहमियत से आप इनकार भी नहीं कर सकते, पेड प्लगइन है। इन ये 10 प्लगइन्स, इनमें से वाइड प्लगइन जो कि पेड में रिकमेंड करता हूं वो कन्वर्ट प्लग का है। कन्वर्ट प्लस और कन्वर्ट प्रो दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो अपनी वेबसाइट पर ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। और तो ये जो दो प्लगइन है वर्डप्रेस के, ये आपको ईमेल लिस्ट बिल्ड करने में मदद देते हैं। इनकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के पॉपअप और मुख्तलिफ ईमेल कैप्चर के जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो आसानी से अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कन्वर्ट प्रो आपके लिए बेहतर रहेगा, और अगर आप सिंगल वेबसाइट चला रहे हैं तो कन्वर्ट प्लस जो कि 20 या 25 डॉलर का प्लगइन है उसे आप अपने जरूर वेबसाइट पर इंस्टॉल कीजिए और उसकी मदद से आप जो है वो आसानी से अपनी ईमेल लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो ये वो 10 प्लगइन्स थे जो कि मेरा ख्याल है हर वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई प्लगइन और भी है, ऐसा है जो कि वेबसाइट्स पर वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल हो, तो उसके मुतालिक आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आप डिजाइन और डेवलपमेंट के मुतालिक नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।